हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन पांच पीएसयू बैंक्स के बारे में जो कि है पीएनबी, कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं इनके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। पहली जो बैंक है वो है पीएनबी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें फ्रेश बाई करके लॉन्ग पोजिशन बनाएं तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि ये है वीकली चार्ट और इस पर अभी भी 98 पे है इसका रेजिस्टेंस लेवल। जब तक 98 क्रॉस नहीं होता तब तक निवेश ना करें। कुछ वीक्स के बाद ये 98 और भी नीचे आ जाएगा अगर वो इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो तब तक इंतज़ार करिए। जब तक सुपर ट्रेंड पे अपर लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक निवेश ना करें। अगली बैंक है कैनरा बैंक। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, 222 से रिवर्सल आया है जो कि उसका सपोर्ट लेवल भी है सुपर ट्रेंड में। तो अगर इस पूरे हफ्ते में ये 222 नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करता है तो यहाँ पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी है। अभी 235 पे है, इसके ऊपर सस्टेन करता है अगर ये स्टॉक तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगला स्टॉक है एसबीआई और जैसा कि आप देख सकते हैं 261 से रिवर्सल आया है, अभी 263 पर ही है। अगर ये पूरे हफ्ते में 261 ब्रीच नहीं करता है और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर मार्केट सपोर्ट करता है, नहीं तो अगले वीक ये 261 का जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक कर सकता है। तो इंतज़ार कीजिए, अगर ये 261 ब्रेक नहीं करता है तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बात करें अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो ये सुपर ट्रेंड को ब्रीच कर चुका है, सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुका है 116 का और अभी 109 पे ट्रेड कर रहा है। सुपर ट्रेंड के हिसाब से 155 है इसका रेजिस्टेंस, जो कि कुछ हफ्तों में और नीचे आ जाएगा। तो वेट करें जब तक ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, उसके पहले निवेश करने की सलाह नहीं है। ये नीचे की तरफ और जा सकता है, सो इंतज़ार कीजिए जब तक कि ऊपर की तरफ ये ब्रेक नहीं होता है। बात करें अगर बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसने सुपर ट्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं 145 पे ब्रीच किया था, तब से स्टॉक नीचे जा रहा है। 83 इसका करंट प्राइस है, 105 पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ब्रेक किए बिना ये ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं देगा। बार बार 105 से रिवर्स हो रहा है नीचे की तरफ, तो इंतज़ार करें 105 ब्रेक होने का, उसके बाद ही फ्रेश बाई करने का सोचें इस स्टॉक में। तब तक वेट एंड वॉच है, ये स्टॉक नीचे की तरफ जाने की पूरी संभावना है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।